विगन की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एक स्पेशल सब्जी जो वेट लॉस से लेकर के स्वाद के लिए भी सुपर हिट होगी, वो है अंकुरित मेथी दाने की सब्जी, जो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और गर्मियों के लिए एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट भी हो सकता है इसके साथ, जो वेट लॉस की जर्नी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आज हम अंकुरित मेथी दाना कैसे करते हैं और उसकी जो है टेस्टी सब्जी कैसे बनती है वही सीखने वाले हैं। तो आइए झटपट से ये अंकुरित मेथी दाने की सब्जी बनाना सीखें। ये है अंकुरित मेथी दाना, आप देख पा रहे होंगे खूब अच्छे से ये दो दिन में अंकुरित हो गए हैं। इनको अंकुरित करा है मैंने इस छलनी पर। दाना को ओवरनाइट भिगो करके सुबह छलनी पर लेना है। एक कप जैसे मेथी दाना ले लिया, उसको मैंने दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इस छलनी पर निकाल लिया और हल्के से पानी का छिड़काव करके और एक कटोरे पर रख दिया। देखिए दो दिन में काफी अच्छे लंबे हो गए हैं। आप चाहें तो इनको सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं और वैसे कच्चा जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और अंकुरित करने से ये कड़वापन इसका कम हो जाता है और उसकी जो सब्जी होती है वो काफी हेल्दी होती है। वेट लॉस के लिए भी इसको खाया जाता है। तो आज हम बिल्कुल टेस्टी डिलीशियस तरीके से सब्जी को बनाएंगे, तो आप भी इस तरीके से अंकुरित कर लें। तो ये मैंने एक कप अंकुरित मेथी दाना ले लिया। सब्जी बनाने के लिए दो टेबल स्पून तेल हम गर्म होने चढ़ाएंगे। तेल थोड़ा इस सब्जी में हम हल्का ज्यादा रखेंगे और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो नाम मात्र का ही आप तेल यूज करें, लेकिन हम सब्जी बना रहे हैं मसालेदार तो इसमें हम थोड़ा सा तेल जो है ज्यादा डाल रहे हैं। इसमें हम दो कुटी हुई लौंग डालेंगे, चौथाई चम्मच हम हींग डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कलर का करेंगे। प्याज हमारा इक्वली पक जाए इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी भी पक जाएगा और जलेगा भी नहीं और जैसा कलर हमें चाहिए वैसा कलर इस पे आ जाएगा। तो प्याज हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो इसमें हम चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, दो टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल करके थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऊपर से हम एक टीस्पून अदरक और लहसुन कुटी हुई डालेंगे। अब इस मसाले को हम अच्छे से गाढ़ा होने तक, तेल अलग होगा तब तक हम इसको पकाएंगे। ऊपर से लहसुन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो प्याज के साथ भी पका सकते हैं लहसुन को, लेकिन ऊपर से जो हम डालते हैं लहसुन इसका टेस्ट जो है बहुत ही गजब का आता है। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा से पक गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है और अब इसमें हम एक पीसा हुआ या कूटा हुआ प्याज डालेंगे। इस तरीके से देखेंगे कि आप एक नया टेस्ट आप सब्जी में लाएंगे। तो अब ये कच्चा प्याज हमने एक ही रखा है, आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले भी हमने कटा हुआ पूरा एक प्याज डाला है। तो अब इस कच्चे प्याज को इस मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। तो हमारा ये प्याज भी अच्छे से भून गया, तेल बढ़िया अलग से हो रहा है और अब हम अपने अंकुरित मेथी दाना डालेंगे। अब इस पर खटाई के रूप में हम आमचूर पाउडर यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें कच्ची केरी भी डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अमचूर डाल रही हूँ और अमचूर भी थोड़ी मात्रा में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जब हम खाने लगेंगे तब हम इसमें नींबू का यूज करेंगे। इसमें किसी भी रूप में खटाई का होना ज्यादा अच्छा रहता है, इससे कड़वापन भी नहीं लगता है और मेथी जो है बहुत टेस्टी लगती है। और अब इस मसाले और अमचूर के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से। एक से दो चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है इसे। कम आंच पर दो से तीन मिनट हमें इसको स्टीम करना है और एक दो बार बीच में हिला लेंगे। ज्यादा पकाने से इसकी जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है, तो बस दो तीन मिनट इसको स्टीम कर लेते हैं। तो दो से तीन मिनट हो गए, अब गैस बंद कर देंगे और देखिए हमारी जो सब्जी है ये तैयार है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल हेल्दी सब्जी है ये। और अब इस पर हम खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे,
हल्की सी ठंडी करने के बाद हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। तो हमारी एक हेल्दी सब्जी बनकर के तैयार है। हम तो और धनिया हम इस पर गार्निशिंग कर लेंगे। धनिया बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरीके की सब्जियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और नींबू भी हम रख देंगे। और इस सब्जी को आप पराठे, पूड़ी, रोटी या सिर्फ ऐसे भी अगर आप खाना चाहें वेट लॉस के लिए तो खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इस हेल्दी रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।